अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर आप सऊदी अरबिया से फाइनल एग्जिट जा रहे हैं तो किस तरह से अफसर से फाइनल एग्जिट पेपर डाउनलोड करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल से क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, यहाँ सर्च बार में अफसर लॉगिन सर्च कर लेना है। उसके बाद कुछ इस तरह से पेज ओपन होकर आएगा, यहाँ थोड़ा नीचे आना है स्क्रॉल करके। यहाँ देखिए आपको होम www.apsar.se लिखा हुआ मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद सबसे ऊपर में यहाँ देखिए गो टू अप्सर इंडिविजुअल का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको जो भी आपका इकामा नंबर होगा वो डाल देना है, आप अप्सर का पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। उसके बाद जिस भी नंबर से आपका अफसर अकाउंट बना हुआ होगा उस पर 4 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ डाल देना है। जैसे मेरा वेरिफिकेशन कोड आ चुका है 6558, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ 6558। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ देखिए माई सर्विसेज में सर्विसेज का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने पासपोर्ट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो पूरा डिटेल आपके सामने आ जाएगा। यहाँ देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आईडी नंबर, आईडी वर्जन, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी कुछ होगा, नेशनलिटी, सब कुछ यहाँ शो होगा। उसके बाद इकामा इन्फॉर्मेशन में इशू डेट, रेसिडेंसी एक्सपायरी डेट और इशू पहले, सारा कुछ इसमें डिटेल आपको मिलेगा। उसके बाद थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ आपका वीज़ा इन्फॉर्मेशन में आपको इसमें मिल जाएगा, वीज़ा नंबर मिल जाएगा, वीज़ा क्लास यहाँ देखिए फाइनल वीज़ा लग चुका है। उसके बाद इशू डेट ये वो शो करेगा, एक्सपायरी डेट देखिए यहाँ ड्यूरेशन 0 शो हो रहा है, यानी कि वीज़ा फाइनल एग्जिट लग चुका है। उसके बाद आपको डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर देखिए 3 डॉट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ देखिए नीचे में ऑप्शन होगा, स्लाइड कीजिएगा तो आपको मिलेगा प्रिंट का ऑप्शन, इस पर आपको प्रिंट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से प्रीव्यू लोडिंग ये लेने लगेगा ये पेज। यहाँ देखिए ये जो पूरा आपको आपके सामने शो हो रहा है डिटेल। उसके बाद यहाँ देखिए PDF का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगा आपको। उसके बाद कुछ इस तरह से आपको गैलरी में सेव करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा, यहाँ देखिए यहाँ से सेव का ऑप्शन है, इस पर आपको सेव कर लेना, पर्सनल इन्फॉर्मेशन नाम का फाइल है, तो ये आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। मैं आपको बैक आकर गैलरी में दिखा देता हूँ कहाँ सेव हुआ है। तो मैं बैक आ जाता हूँ, उसके बाद अपना फाइल मैनेजर ओपन करके यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट्स में ओपन करते हैं। यहाँ देखिए सबसे ऊपर में पर्सनल इन्फॉर्मेशन PDF है, तो इस पर क्लिक करके हम ओपन करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ देखिए WPS ऑफिस से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये मेरे गैलरी में डाउनलोड हो चुका है फाइनल एग्जिट, इसमें पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए ये जो मैं पेज डाउनलोड किया हूँ अफसर से, यहाँ देखिए शो हो रहा है। आप इसको प्रिंटर के थ्रू डाउनलोड भी कर सकते हैं या किसी जगह आपको सेंड करना है तो डायरेक्ट PDF फाइल भी सेंड कर सकते हैं। अगर आपको भी फाइनल एग्जिट पेपर डाउनलोड करना है तो इसी तरह से डाउनलोड करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें।